हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक रेमेडी बनाकर दिखाने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत ही काम आने वाली है। इससे आप अपने चेहरे के जो सॉफ्ट हेयर होते हैं, जैसे कि अपर लिप्स आप थ्रेड करवाते हो, लेकिन अगर घर में उसको क्लियर करना हो तो आप इससे कर सकते हैं। जैसे कि हम कटोरी वैक्स भी करते हैं तो उसकी जगह भी आप इसे कर सकते हैं। और हमारे हेयर्स के ऊपर, जैसे साइड पे बहुत सॉफ्ट हेयर होते हैं या फॉरहेड पे सॉफ्ट हेयर होते हैं, तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास मेरी सब रेमेडीज़ पहुंच सकें और आप इन इजी रेमेडीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे हम अपने चेहरे के सॉफ्ट हेयर्स को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। और कभी भी जाना हो कहीं तो हेयर्स उतारने के बाद हमारा चेहरा जो है एकदम से निखर के आता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। इसके लिए हमने एक चुटकी हल्दी ली है। आप देख रहे हैं कि मैंने एक पिंच हल्दी ली है, ज़्यादा नहीं ली। और ये है कॉर्नफ्लोर, तो हमने एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर मैंने हल्का सा पानी डालना है और इसे लिक्विड बना लेना है, जैसे कि एक लिक्विड होता है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपने चेहरे पर इसे लगाना है तो आपके चेहरे पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, यानी ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके चेहरे पर ऑयल है तो आप पाउडर लेकर पहले अपने चेहरे पर पाउडर लगा लें, ताकि आपकी स्किन जो है वो एकदम से ड्राई हो जाए। तो आप देख रहे हैं मैंने इसे इस तरह से घोल लिया है। तो हम अब इसे क्या करेंगे, इसे गैस पे रखेंगे हम 10 से 20 सेकंड के लिए। आप कढ़ाई या आप छोटा पैन कोई गैस पे रख सकते हैं। तो इसे हमने लगातार हिलाना है, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। आप देख रहे हैं कि इसमें लम्स बहुत जल्दी पड़ते हैं। मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर, आप देख रहे हैं कि एकदम से बहुत टाइट हो गया है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इस तरह से हमने एक क्रीम की तरह इसे बनाना है। ये कॉर्नफ्लोर है, बहुत ही जल्दी ये टाइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक जेल या क्रीम की तरह हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाऊंगी। इस तरह से आपने पाउडर लगा लेना है, ताकि मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल ना रहे। अब इसे हमने हाथ के साथ इस तरह से, जिस तरफ हमारे बालों की डायरेक्शन है उस तरफ को हमने इस तरह लगाना है, और 10 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ देना है। आप चाहें तो आप इसे ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं, चाहें तो अपने हाथ के साथ लगा सकते हैं। इसे 10 से 15 मिनट आपने सूखने देना। जब सूखने के बाद ये एक मास्क बन जाता है, तो आपने इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसे उतार देना। खींच के उतरेगा, ये एक मास्क तैयार हो जाता है जो सूखने के बाद एक पपड़ी की तरह उतरता है। तो उससे आप देखेंगे कि आपके जो सॉफ्ट हेयर हैं कैसे उतरते हैं और कैसे साफ होती है आपकी स्किन। तो फ्रेंड्स, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसी तरह से बहुत ही इजी रेमेडीज़ बताती रहूं और आप उसका फ़ायदा उठाते रहें। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेमेडीज़ कैसी लग रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।